गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज मैं आपको लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो कराऊंगा। पिछली तीन वीडियो के अंदर मैंने आपको शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में बताया, आज मैं आपको लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में बताऊंगा। ट्वेल्थ लेवल पे लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो हमारी मेन चार तरह की होती है बेटा। पहली रेशियो होती है डेट इक्विटी रेशियो, दूसरी होती है प्रोप्राइटरी रेशियो, तीसरी होती है टोटल एसेट टू डेट रेशियो और चौथी होती है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो बच्चों पहले मैं डेट इक्विटी रेशियो के बारे में आपको बताऊंगा। डेट इक्विटी रेशियो का फार्मूला होता है डेट इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू डेट अपॉन इक्विटी। डेट अपॉन इक्विटी बेटा, यहां डेट का मतलब क्या होता है? डेट का मतलब होता है ओनली लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और इक्विटी का मतलब होता है, इक्विटी का मतलब होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। और बेटा जो डेट इक्विटी रेशियो की जो आइडल रेशियो होती है वो रेशियो होती है बेटा टू इज टू वन। सबसे पहले डेट इक्विटी रेशियो फार्मूला क्या होता है बेटा? डेट अपॉन इक्विटी। डेट में आपने सिर्फ कौन से लेने हैं? ओनली लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और इक्विटी का मतलब होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब बेटा मैं आपको एक सवाल की हेल्प से आपको इस रेशियो के बारे में और डिटेल में बताना चाहूंगा। इधर देखिए आप, मैं एक सवाल बना रहा हूं। चलो ऐसा करते हैं, पहले हम फार्मूले डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैंने आपको डेट इक्विटी रेशियो के बारे में बताया, उसकी आइडल रेशियो बताई। अब मैं दूसरी रेशियो पे जा रहा हूं, प्रोप्राइटरी रेशियो। कौन सी रेशियो पे जा रहा हूं? प्रोप्राइटरी रेशियो। बेटा अब मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए हो जाऊंगा क्योंकि अब आपको रेशियो को हैंडल करने का एक तरीका आ चुका है। प्रोप्राइटरी रेशियो पहले मतलब समझते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब क्या होता है बेटा? प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब होता है, इसका जो फार्मूला है वो प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100। बेटा प्रोप्राइटरी रेशियो के बारे में दो तरह से ऑथर बुक्स में कैलकुलेट करते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। आप इसको परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हो और आप इसको प्योर रेशियो में भी कैलकुलेट कर सकते हो। अब मैं आपको प्रोप्राइटरी रेशियो की ऑब्जेक्टिव और थोड़ा सा सिग्निफिकेंस के बारे में बताऊंगा क्योंकि ये चीज़ें आपसे वाइवा में भी पूछी जा सकती हैं। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो बच्चों तुम जो ना रेशियो एनालिसिस मतलब जो थर्ड बुक है उसे करते नहीं हो, उससे पीछे भागते हो क्योंकि स्टार्टिंग से आप लोग पार्टनरशिप और कंपनी में इतना जोर दे चुके होते हो कि यहाँ तक आते आते आपका मॉरल डाउन हो जाता है कि यार रेशियो नहीं करनी, चार नंबर के लिए नहीं करना। जबकि अगर आप देखा जाए तो जो थर्ड बुक की वेटेज बेटा वो आपकी 40 मार्क्स की है, 20 मार्क्स प्रैक्टिकल के रूप में है और 20 मार्क्स जो CBSE का आपको रिटर्न एग्जाम आएगा, और आप इसी को ही सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हो। तो बेटा प्रोप्राइटरी रेशियो के बारे में आपको बताता हूँ, प्रोप्राइटरी रेशियो होती क्या है बेटा। बेसिकली प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होती है मैं आपको एक सिंपल बताऊँ। आपने अपने बिजनेस में जितनी भी एसेट्स बनाई है, आपने अपने बिजनेस में जितनी भी एसेट बनाई है उसमें आपका अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है वो प्रोप्राइटरी रेशियो आपको बताता है। सर आपने ये क्या बोला, हमें कुछ समझ नहीं आया। देखो बेटा मैं अपनी हेल्प से एक आपको सवाल कराता हूँ हेल्प से, जिससे आपको ये प्रोप्राइटरी रेशियो बड़ी अच्छे समझ में आएगी। देखो बेटा मैं ये कहता हूँ, आप इधर देखिए, एक मिस्टर एक्स है, एक मिस्टर एक्स है, मैं उनकी ये बैलेंस शीट बना रहा हूँ। उनकी बैलेंस शीट में बेटा ये क्या है, मैं थोड़ा सा मजाक के किस्म में हूँ, सर ये तो ओडी का साइन है। मैं कहता हूँ ओडी मैंने ली 30 लाख रुपए की। मिस्टर एक्स थे जिन्होंने ओडी ली 30 लाख रुपए की, और उनकी जो कैपिटल थी, उस कंपनी की जो कैपिटल थी, शेयर कैपिटल जो थी वो 10 लाख रुपए की थी, और नॉन करंट लायबिलिटी 5 लाख की थी, और 15 लाख, सॉरी नॉन करंट लायबिलिटी 15 लाख की और करंट लायबिलिटी 5 लाख की थी। अब आप ये देखिए, अब आपको जब तक कंपैरिजन नहीं करोगे आपको पता नहीं लगेगा। अब आप ये देखिए, प्रोप्राइटरी फंड का मतलब होता है, प्रोप्राइटरी फंड मतलब शेयर होल्डर फंड, जो मैंने डेट इक्विटी रेशियो बताया। तो बताओ आपका शेयर होल्डर फंड कितना है? सर शेयर होल्डर फंड है 10 लाख, और आपने टोटल एसेट कितनी ली थी? 30 लाख की। तो प्रोप्राइटरी रेशियो क्या हो जाएगी बेटा आपकी? प्रोप्राइटरी रेशियो हो जाएगी प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100। इसका मतलब ये है बेटा, जो आपने ओडी एक्वायर करी, जो आपने एसेट्स एक्वायर करी है, उसमें आपका 1/3 कॉन्ट्रीब्यूशन था। मतलब जो आपने ये एसेट जनरेट करी उसमें आपका अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था?
33%। अब आपको मैं दूसरा एग्जांपल लेके बताता हूँ, इसी के साथ बेटा मैं दूसरे साथ चलता हूँ। एक मिस्टर वाई की कंपनी है, ये मिस्टर वाई की कंपनी है, इसका जो शेयर कैपिटल है, शेयर होल्डर फंड था, वो था 25 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी थी 3 लाख और करंट लायबिलिटी थी 2 लाख, और इसने भी एक ऑडी खरीदी, इसने ऑडी खरीदी 30 लाख रुपए की। अब आप ये बताओ वाई की कंपनी के केस में प्रोप्राइटरी रेशियो क्या होगी? सर प्रोप्राइटरी रेशियो वाई के केस में होगी प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट्स इनटू 100, 25 5 6 30, तो बेटा ये आ गया आपका 500/6, 6 8 48, 6 3 18। इसका मतलब आप देखो बेटा, दोनों कंपनी में कंपैरिजन देखो आप, दोनों कंपनियों में कंपैरिजन देखो आप कि आपके इस केस में आपका जो कंट्रीब्यूशन था वाई एक्स की केस में, जो उसने ऑडी एक्वायर करी, जो टोटल एसेट्स एक्वायर करी, उसका कंट्रीब्यूशन था 33%, यानी कि 1/3, और वाई की कंपनी में जो कंट्रीब्यूशन था वो था आपका 83%। अब आप ये बताओ, अगर आप दोनों में से किसी कंपनी को अगर रैंकिंग देना चाहोगे दोनों में से, कि रैंकिंग नंबर 1 और रैंकिंग नंबर 2 के हिसाब से कौन सी कंपनी है, तो आप किसे रैंकिंग 1 दोगे बेटा? वाई को, क्योंकि वाई ने जो भी एसेट्स अपने हिसाब से एक्वायर करी है, अपने बनाई है, उसमें उसका अपना कंट्रीब्यूशन 83% था। तो एक बताओ, मनी लेंडर के लिए, मनी लेंडर के लिए या क्रेडिटर के लिए सबसे ज्यादा सेफ कंपनी कौन सी होगी? एक्स के वाई। सर ऑब्वियसली वाई कंपनी, क्योंकि वाई अपनी मेहनत से एसेट बना रहा है, इसके साथ काम करने में मैं ज्यादा सेफ महसूस करूंगा। तो प्रोप्राइटरी रेशियो का जो सिग्निफिकेंस होता है बेटा, ऑब्जेक्टिव होता है कि पहले तो ये कि आपने जितनी भी टोटल एसेट्स बनाई हैं उसमें आपका अपना कंट्रीब्यूशन कितना था, प्लस दूसरा आपका जो मनी लेंडर है या क्रेडिटर है वो सिक्योर फील करेगा, उसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी उस कंपनी में ज्यादा नजर आएगी जिसमें प्रोप्राइटरी रेशियो आपकी हाई होगी, और जितनी प्रोप्राइटरी रेशियो आपकी हाई होगी उतना गुड साइन फॉर द कंपनी होगा। तो बेटा प्रोप्राइटरी रेशियो के बारे में मैंने आपको यहां बता दिया। अब मैं अगली रेशियो पे चलता हूं, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। किसमें चलता हूं? टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। तो टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो का फार्मूला क्या होता है बेटा, मैं आपको ये बात बताता हूं, आपको याद करने का तरीका है बेटा। कोई भी रेशियो अगर एक्स टू वाई की फॉर्म में है, आपको कोई भी रेशियो अगर पेपर में पूछी जाती है और वो एक्स टू वाई, टू मतलब ये बीच वाला लिखा हुआ टू, टू बाय डेबिट क्रेडिट वाला टू नहीं, एक्स टू वाई की फॉर्म में हो, तो हमेशा उसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा मैथमेटिक्स के हिसाब से एक्स अपॉन वाई, यानी कि जो पहले लिखा होगा वो न्यूमिनेटर में होगा और जो बाद में लिखा होगा वो डिनोमिनेटर में होगा। ऐसे एग्जामिनर टोटल एसेट टू डेट रेशियो भी कर सकता है, डेट टू टोटल एसेट भी कर सकता है, वो कुछ भी पूछ सकता है आपको। तो आपने सिंपल याद रखना कि एक्स टू वाई के रेशियो में कोई भी अगर फार्मूला होगा तो आप उसको बनाएंगे एक्स टू वाई। तो टोटल एसेट टू डेट रेशियो का फार्मूला क्या बन गया? टोटल एसेट्स अपॉन डेट। अब आप देखो बेटा, टोटल एसेट्स मैं बता चुका हूं आपको टोटल एसेट्स क्या होती है, और डेट के बारे में भी आप बता चुका हूं। हाँ, यहां पर टोटल एसेट्स के बारे में ये लिखना है, यहां जो टोटल एसेट्स आएगी वो कौन सी आएगी? देखो बेटा मैं लाल पेन से लिख रहा हूं, यहां जो टोटल एसेट्स आएगी वो कौन सी आएगी? नेट आएगी। नेट का मतलब ये है बेटा आफ्टर डेप्रिसिएशन। नेट का मतलब क्या होगा? आफ्टर डेप्रिसिएशन। अब देखो बेटा, कई बार एग्जामिनर आपसे सवाल पूछेगा, मैं आपको अपना पुरानी क्लास में लेके जा रहा हूं, जब मैंने रेशियो करा रहा था कि मैं आपको देसी जुगाड़ बना रहा हूं, और उसके हेल्प से आपको, देखो देसी जुगाड़ में मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले अपनी एक बैलेंस शीट बनाइए। ये कौन सी बैलेंस शीट थी हमारी? जुगाड़ वाली बैलेंस शीट। यहां पर क्या था? नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। बेटा ये ऐसी संजीवनी बूटी मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो जुगाड़ वाली बैलेंस शीट है ये वो संजीवनी बूटी है जिसमें आपको इतने फार्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं है। जितना आप रेशियो से भाग रहे हो, इसको अगर आप याद कर लोगे, इसको आप समझ लोगे, तो आपको कोई भी मिसिंग फिगर, आपको कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। इसको प्लॉट करो और इस हिसाब से इसकी वैल्यू पुट करते जाओ। देखो अब मैं फार्मूला निकालूंगा, मुझे दिया कुछ और होगा और मुझे निकालना कुछ और है। देखो कैसे, अब मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिखता हूं, देखो ये जुगाड़ू बैलेंस शीट है, मैं यहां लिखता हूं, आपको सवाल दिया हुआ है शेयर कैपिटल 10 लाख रुपए, रिजर्व एंड सरप्लस 5 लाख रुपए, नॉन करंट लायबिलिटी क्या दे रखा है? नॉन करंट लायबिलिटी भी आपको 5 लाख रुपए दे रखी है, और करंट लायबिलिटी दे रखी है आपको 3 लाख रुपए। एक काम करते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी 10 लाख और करंट लायबिलिटी को कर देते हैं
5 लाख। अब तो बाहर देखो बेटा, शेयर कैपिटल 10 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 5 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी 10 लाख, करंट लायबिलिटी 5 लाख। और आपसे पूछा गया कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो, कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। अब आप कहोगे सर प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है, सर प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट्स। अब मुझे टोटल एसेट्स तो पता ही नहीं है। अब आप देखो बेटा इस बैलेंस शीट को देखो जो मैंने जुगाड़ू बनाई है, मैं जो जो इन्फॉर्मेशन है वहां पुट कर रहा हूँ। शेयर कैपिटल कितनी दे रखी है सर? शेयर कैपिटल दे रखी है 10 लाख रुपए। रिजर्व एंड सरप्लस बीसी का ही पार्ट होता है शेयर होल्डर फंड का, तो मैं 5 लाख यहाँ ऐड कर देता हूँ क्योंकि वो शेयर होल्डर फंड है। नॉन करंट लायबिलिटी 10 लाख दे रखी है और करंट लायबिलिटी मेरे को 5 लाख दे रखी है, तो ये मेरा हो गया बेटा 10, 10, 20, 30 लाख रुपए मेरे टोटल लायबिलिटी हो गई। अब बेटा आपको बताओ, 2.5 साल हो गए हैं, आपको पता है कि टोटल लायबिलिटी इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल एसेट्स, तो आपको बताओ ये टोटल एसेट बिना कोई निकाले आपको टोटल एसेट पता लग गई, लग गई है 30 लाख रुपए की है, तो बताओ अब मैं प्रोप्राइटरी रेशियो निकाल सकता हूँ? हाँ सर बिल्कुल निकाल सकता हूँ। प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल टू प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट्स इंटू 100। तो मेरा प्रोप्राइटरी फंड कितना हो गया? प्रोप्राइटरी फंड देखो बेटा ये रहा शेयर होल्डर फंड, दैट इज 15 लाख, और टोटल एसेट मेरी थी 30 लाख इंटू 100। इसका मतलब ये मेरी 50% बेटा प्रोप्राइटरी रेशियो आ गई। तो इस मैं बता रहा हूँ बेटा, बार बार आपको मैं फोकस कर रहा हूँ, ये देसी जुगाड़ जो बैलेंस शीट में आपको बता रहा हूँ ये हर जगह काम आएगी। अभी हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करेंगे, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो करेंगे, उसमें आपको जो भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन बैलेंस शीट से रिलेटेड है आप इसमें फिलअप करते जाओ, आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि आपको कौन सी मिसिंग इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो बेटा प्रोप्राइटरी रेशियो मैं यहाँ पे खत्म करता हूँ। अब अगली रेशियो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये समझ आ गया बेटा आपको ये कि प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला आपको दोबारा से बता रहा हूँ। प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट, डेट इक्विटी का फॉर्मूला होता है डेप्ट अपॉन इक्विटी, और उसकी आइडल रेशियो होती है 2:1। तो बेटा प्रोप्राइटरी रेशियो खत्म हो गई, टोटल एसेट टू डेट रेशियो भी बेटा आप सवाल करोगे। अब मैं आपको एक ऐसा सवाल बनाने जा रहा हूँ जिसमें इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, एक सवाल मैं बनाता हूँ, मुझे दे रखा है सवाल में निकालना है कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशो, और तीसरा निकालना है टोटल एसेट टू डेट रेशो। अब मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं शेयर कैपिटल 12 लाख रुपए, दूसरा दे रहा हूं मैं स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट 1 लाख रुपए, और जर्नल रिजर्व ₹6 लाख, 8% डिबेंचर ₹10 लाख, लॉन्ग टर्म प्रोविजन ₹5 लाख, करंट लायबिलिटी ₹3 लाख। अब बच्चों आपको निकालनी है डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और टोटल एसेट टू डेट रेशियो। तो देखो मैं सबसे पहले अपना जुगाड़ू बैलेंस शीट बनाऊंगा बेटा, इधर देखिए आप, आपको जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसके हिसाब से चलते हैं। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स। ये क्या होता है आपकी, ये आपकी टोटल लायबिलिटी हो जाती है और ये आपकी क्या होती है टोटल एसेट। अब आप ये देखिए, आप अपनी वैल्यू पुट करिए, देखो शेयर कैपिटल आपको 12 लाख रुपये दे रखी है बेटा। स्टेटमेंट ऑफ P&L में आपने ये वर्ड जरूर ध्यान रखना है, एग्जामिनर आपको यहां पर डेबिट वर्ड दे सकता है, और डेबिट का मतलब क्या होता है सर? डेबिट का मतलब होता है लॉस। तो देखो शेयर होल्डर फंड कितना होगा बेटा, 12 लाख की शेयर कैपिटल थी माइनस 1, और जनरल रिजर्व कितना था 6 लाख, तो आपका कितना हो गया बेटा ये 12 में से 18, 18 माइनस 1 आपका शेयर होल्डर फंड हो गया
17 लाख रुपए। अब आप देखो आपको नॉन करंट लायबिलिटी कितना दे रखा है, ये देखो आपको बेटा क्या दे रखी है, 10 और 5 15 15 आपकी क्या दे रखी है, नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है। और आपकी करंट लायबिलिटी कितनी दे रखी है, 3 लाख रुपए। अब आप देखिए आपने वैल्यू पुट कर ली, आपका ये आंसर आ गया 18 35 लाख रुपए। अब आप ये देखिए बेटा, जब आपकी टोटल लायबिलिटी 35 लाख है तो टोटल एसेट्स भी आपको 35 लाख गिवन होगी। अब आप देखिए आपको एक एक करके फॉर्मूला निकालना है, डेब्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, डेब्ट इक्विटी इक्वल टू डेब्ट अपॉन इक्विटी 15 लाख डिवाइड बाय 17 लाख ये निकल के बेटा डेब्ट इक्विटी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट, प्रोप्राइटरी फंड कितना था 15 लाख और 35 लाख × 100। और तीसरी रेशो है टोटल एसेट टू डेट रेशो, टोटल एसेट टू डेट रेशो, टोटल एसेट आपकी कितनी थी 35 लाख और डेट आपके कितने थे, डेट आपके थे 15 लाख के। तो बताओ ये तीनों रेशो बेटा आंसर निकाल लोगे आप फटाफट बेटा, आपकी प्रोप्राइटरी रेशो, प्रोप्राइटरी फंड हमारा कितना था, सॉरी बेटा यहां बेटा मैं गलत लिख गया हूं, प्रोप्राइटरी फंड जो था वो मेरा था 17 लाख रुपए। ये देखिए मैं थोड़ा यहां कॉपी गलत कर गया हूं बेटा, ये देखिए ये यहां से ये आपका जो प्रोप्राइटरी फंड था वो 17 लाख था। मैं दोबारा से इस सवाल को डिस्कस करता हूं, हमने ये करा, पहला सवाल क्या था डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, डेट अपॉन इक्विटी, डेट कितना था मेरा 15 लाख और इक्विटी कितनी थी 17 लाख, तो 15/17। दूसरा प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट, प्रोप्राइटरी फंड क्या होता है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड कितना था 17 लाख और मेरा टोटल एसेट जो थी, टोटल लायबिलिटी मेरी 35 लाख थी तो टोटल एसेट भी मेरी 35 लाख हो जाएगी इनटू 100। ये बेटा कैलकुलेट कर लेना, टोटल एसेट टू डेट रेशियो का फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया टोटल एसेट टू डेट, टोटल एसेट आपकी कितनी थी 35 लाख और डेट आपका कितना था 15 लाख। तो बेटा ये रेशियो आपकी तीनों निकल गई है, मैंने बेटा थोड़ा सा ये फास्ट कराया क्योंकि इसलिए फास्ट कराया कि पेपर अब जल्दी आने वाले हैं और आपको मेरे हिसाब से अगर ये आप अपनी बैलेंस शीट को ध्यान रखोगे तो आपके क्वेश्चन आंसर बड़ी जल्दी जल्दी निकल जाएंगे। तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके पास इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लेके आऊँगा, वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगा, फिलहाल बेटा आप इतना कर लेना और अगली वीडियो में मैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बताऊँगा आपको। थैंक यू बेटा।